देखते हैं हमें आज क्या मिलता है। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, घर परिवार सब ठीक होगा। तो आपको दिख रहा होगा मैं बैग वैग रख के आज, आप भी बोलोगे कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं आज जा रहा हूँ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी के बारे में कुछ मान्यताएं हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं। जैसे कहते हैं कि मंदिर के ऊपर से कोई प्लेन नहीं निकलता, या वहाँ पे मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं आती। तो आज हम वही चेक करेंगे। समझाता मेरा होटल बिल्कुल बीच के पास में होगा, ताकि ये दो साल बहुत दूर रखना। कम से कम 1 किलोमीटर बैठता है, पर है तो सामने, पर रास्ता इसका 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के जब है। एक्चुअली आज सुबह मैंने क्या किया था कि मैं होटल ऑनलाइन बुकिंग कर लिया था मैंने, और मेरा होटल था ये इसके बीच के पास में, इसलिए मैं टेम्पल पर नहीं गया, सीधा बीच पे आ गया। तो अब थोड़ा बीच पर घूम पाते शाम को, मैं देखते हैं कैसा माहौल रहता है उधर, और आपको शाम को बीच का नज़ारा दिखाते हैं, ठीक है। बाकी ये रोड है, देख लो बीच के अपोजिट का है। तो यहाँ पे पता नहीं सारा सुनसान सा है, देखो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो बीच में पहुँचते हैं। हेलो गाइस, एक्चुअली मैं दूसरी साइड में था, मैं अब इधर आ गया हूँ, उधर स्पीड बढ़ गया बहुत ज़्यादा। और जो बीच की जो रेत है वो भी पैरों में बहुत ज़्यादा जमती है, चला नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। थोड़ी सी आगे हमारी सीफूड मार्केट पड़ने वाली है, तो उस मार्केट में देखते हैं हमें आज क्या मिलता है। और बाकी देख लो रोड कैसा है कैसा नहीं है। तो लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है, तो मैं एक लाइट का जुगाड़ करता हूँ। लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है भाई, क्या कर सकते हैं, थोड़ी वीडियो सही नहीं आएगी, तो इसलिए गाड़ियों को लाइट पर भरोसा है बस। कोई नहीं, मैं आपको सी फूड की शॉप पर पहुँच के ही बताता हूँ क्या है। भाई आप लोगों को तो मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, हवा इतनी तेज़ है कि आवाज़ सुन सकते हो आप, हवा की आवाज़ आ रही है। और बाकी मैं आपको, चलो अगर मैं फ्रंट कैमरे से भी दिखा देता हूँ, बैक कैमरे से दिखाता हूँ, तो
तो भी आपको शायद नज़र ना आए, फिर आप ये बोलोगे कि इस टाइम पे मैं यहाँ पे आया किस लिए हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि शाम के टाइम पे सी फूड होता है, तो सी फूड मार्केट होती है शाम की, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको मैं दिखाने वाला हूँ कुछ जो जो मिलता है, हम आज सारा कुछ ट्राई करेंगे, ठीक है। और वो भी फुल पेमेंट के साथ, और वो भी नॉन रिफंडेबल। मैं चाहता हूँ कि मैंने तो ये गलती कर दी, आप ये कभी मत करना। अब मेरा रूम भी देख लो ये कैसा है, ये देखो। ₹1000 में ये रूम मिला है मेरे को, और ये नॉन रिफंडेबल है, इसलिए इसको मैं कैंसिल भी नहीं कर सकता। पेमेंट मैं कर चुका हूँ पहले ही पूरी, और मैं ये चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की वो आप ना करो। कभी भी अगर होटल बुक करते हो, अगर नॉन रिफंडेबल है तो उसको पहले चेक कर लो, बुकिंग कंफर्म मत करो, ठीक है। और अगर ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो होटल वो देखो जिसमें फ्री कैंसिलेशन हो। इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं थी तो मैं फंस गया, और अब मुझे ये मिला है। इतना गंदा मैंने आज तक ऐसा रूम नहीं लिया किसी होटल में। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, बस थोड़ा ध्यान से कभी भी रूम बुक करो तो वो चीज़ सारी देख लिया करो कि रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है, फ्री कैंसिलेशन है या नहीं है, पेमेंट एडवांस कर रहे हो तो। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप पेमेंट एडवांस करो ही मत, अगर हो सके नहीं होनी चाहिए, और बुकिंग हो तो कर लो, क्योंकि उसको कैंसिल करने में कुछ नहीं लगता, चेक करने के बाद भी आप कैंसिल कर सकते हैं। मैं तो भाई फंस गया, क्या करूँ, सुबह जल्दी निकल जाऊँगा, 7 बजे निकलना है मेरे को, ठीक है। चलो भाई, मुझे आपने